तो अरमान मलिक की रफ्तार ने श्रीलंका के टेक दिए घुटने और लिया ऐसा शानदार विकेट कि ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय कोच राहुल द्रविड़ भी अरमान को शाबाशी देने के लिए मैदान में पहुंच गए। जी हां दोस्तों, आज भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच खेला जा रहा है, जहां पहले भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और वही श्रीलंका के खिलाड़ियों ने जबरदस्त ओपनिंग की, भारतीय टीम पर दबाव भी बनाया और फिर भारतीय बॉलरों ने शानदार कमबैक किया और इसी के साथ भारतीय गेंदबाजों ने 82 रन के स्कोर पर 2 विकेट गिरा दिए। इस दौरान 10वां ओवर कराने आए उमरान मलिक ने पहली बॉल पर 147 की रफ्तार की बॉल फेंक कर श्रीलंका के बल्लेबाज को वह बॉल बिल्कुल समझ में नहीं और बॉल सीधी स्टंप पर जा लगी। इस शानदार विकेट को देखकर कैप्टन हार्दिक पांड्या और सभी खिलाड़ियों ने उमरान मलिक की जमकर तारीफ की।